वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में इस साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो पैनल 1, 2, 3 आया है उसके बारे में बात करेंगे, और पैनल 4 कब आएगा उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पैनल 1 के बारे में अगर हम बात करें तो पैनल 1 का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है लगभग लगभग मतलब ईमेल और पोस्ट के द्वारा भेज दिया गया है। लगभग कुछ ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो बचे थे, क्योंकि पैनल 1 का जो आधा से ज़्यादा कैंडिडेट का तो अपॉइंटमेंट लेटर रोजगार मेला में ही मिल गया था, और कुछ बचा था जिसका ईमेल के द्वारा और बाई पोस्ट के द्वारा भेज दिया गया। कुछ ही ऐसा कैंडिडेट हमको लग रहा है बचे होंगे, नहीं तो लगभग लगभग सभी का पैनल 1 वाले का आ गया है, और उन लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया है। बहुत लोग का जाकर ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है। कुछ दिन का टाइम दिया गया है, 1 सप्ताह का। फिर बोला गया है कि 1 सप्ताह बाद आपको कॉल जाया जाएगा और स्टेशन अलॉटमेंट उसी टाइम किया जाएगा। तो ये हो रहा है। और बात की जाए पैनल 2 वाले का, तो पैनल 2 वाले का लगभग एक अभी लिस्ट आया चक्रधरपुर का, उसमें सिर्फ चक्रधरपुर वाले का ही था। तो वो लोग आप लोग देख चुके होंगे, जिसका चक्रधरपुर पड़ा होगा उसका उस लिस्ट में नाम था। लगभग सारे पैनल 2 वाले में जो भी चक्रधरपुर जिसका पड़ा था वो लोग तो देख ही लेंगे, लेकिन बहुत लोग का अभी पता नहीं चला है, क्योंकि उसका ये ऑफिशियल तो वायरल हुआ नहीं है, कहीं से वायरल हुआ है इसलिए उन लोग को तो पता चल गया और किसी का पता नहीं चला। लेकिन ईमेल के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, और जल्द ही बाई पोस्ट भी पैनल 2 वाले का जाएगा। लगभग इस महीने में लगभग लगभग पैनल 2 का कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और पैनल 3 का लगभग मई फर्स्ट वीक तक आप लोग का आना शुरू हो जाएगा, मतलब मई से शुरू हो जाएगा आना पैनल 3 वाले का। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये जानकारी जो मिली है कहीं से लिया गया है जानकारी, ऐसे नहीं कि मैं कैसे भी कुछ भी बोल दे रहा हूँ। कहीं से मिला है कि पैनल 3 वाले का भी सारा चीज़ कंप्लीट है, सब जो जो लिस्ट आ गया है सबका कंप्लीट है, बस भेजना है सबका, एक एक करके ही भेजेगा। एक ऐसा तो नहीं है कि सबको एक बार में ही भेज देगा। तो पैनल 3 वाले का भी प्रोसेस बहुत जल्द ही शुरू होगा, लगभग 5 से 6 दिन के बाद ही पैनल 2 का कंप्लीट होगा, उसके बाद पैनल 3 का होगा। अगर आप लोग चक्रधरपुर वाले लिस्ट का देखे होंगे तो लगभग 16 मई तक का चक्रधरपुर में ज्वाइनिंग का डेट है लास्ट पैनल 2 वाले का, मतलब उन लोग को ज्वाइन कर जाना है। तो उसी हिसाब से रांची और आद्रा वगैरह का भी होगा कि 16 मई तक ही आसपास पैनल 2 वाले का हमको लग रहा है कि लास्ट होगा, उसके बाद 16 मई के बाद पैनल 3 वाले का प्रोसेस शुरू होगा। तो ऐसा इससे ये पता चलता है कि लगभग लगभग हम पता भी किए तो वो लोग का भी यही मानना था कि मई में पैनल 3 वाले तक का ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और पैनल 4 भी बहुत जल्द आएगा। आपको बता दें कि इसी महीना में पैनल 4 आएगा, सारा चीज़ पैनल 4 वाले का भी लिस्ट तैयार हो गया है। लगभग लगभग अगर हम बात करें 200 से 250 कैंडिडेट का इस बार आने वाला है। लगभग अगर हम देखें कि 4300 का अप्रॉक्स में आ चुका है पैनल 3 तक का, और 700 का बाकी है, लेकिन इसमें से लगभग 250 कैंडिडेट तो एबसेंट ही हुए हैं, और 400-500 का तो बाकी था, लेकिन ऐसा मालूम चल रहा है कि 250 से 300 कैंडिडेट का पैनल 4 में आएगा। तो आप लोग बहुत जल्द ही आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। लगभग आपको हम बता दें कि 26 या 27 तक पैनल 4 का आप लोग का देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, और मई लास्ट या जून तक पैनल 4 वाले का भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग का जून जुलाई लग जाएगा, मई तक 90% लोगों का ज्वाइनिंग मिल जाएगा, इतना मतलब इन्फॉर्मेशन मिला है। और जून के फर्स्ट वीक तक लगभग लगभग सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपडेट मिल रहा था, आप लोग को बता दें, शेयर कर दी, कैसा लगा ये वीडियो, और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका आप लोग को वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट में आप लोग को बता देंगे क्या क्या है उसका मतलब है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।